एसएमबीआर का काम नहीं है। यहाँ पे जो जमीनों की अलॉटमेंट है वो चीफ मिनिस्टर के अख्तियार से हुए हैं। और एक मिनट सलीम साहब, आपने अपनी बात कर ली, मैंने सुन लिया। आपने अपनी बात कर ली, मैंने सुन लिया। आपने सर बात कर ली, मैंने सुन लिया। आप मेहरबानी करके सुन ले, फिर आप जवाब दे दे। मैंने आपकी बात तसल्ली से सुन लिया। तो जनाब स्पीकर, डीसी साहब जो है वो एमबीआर के नुमाइंदे हैं, और इसी एमबीआर ने और डीसी ने, गवर्नमेंट ने 2010 में इसको डिनाई किया था कि टाइम बार्ड हो चुका है, ये नहीं हो सकता। जब उस वक्त यही कोर्ट, यही डीसी जिसका सलीम कोसो साहब फरमा रहे कि उनका डोमेन है, हमारा नहीं है, 2010 में उन्होंने अपना डोमेन इस्तेमाल करके उन्होंने इनकार कर दिया था, उन्होंने दिया नहीं। अब वो हम इसकी जवाब चाहते हैं। अब सलीम साहब ने बात छेड़ दी है, तो अब इस पे वाजे किया जाए कि एमबीआर पे वो प्रेशर कौन सा था जो 2010 में वो इनकार करते हैं और 2020 में जो है वो उसको आश्वानी को जमीन दे देते थे। मेरे ख्याल में आपका भी पॉइंट आ गया, मिनिस्टर साहब का भी पॉइंट आ गया, इसमें आप लोग बहस नहीं करें। कोई उस वहां पर इंटरफेयर कर सकता है? ये अख्तर जान न जाने किस तरह की बात बस कर रहा है। अब आते वक्फे सवालात में, नहीं इसमें बहस नहीं कर सकते। आपने अब ग्वादर का मास्टर प्लान जो बना है, कल मैं जाऊंगा, मुझे जमीन गवर्नमेंट अलाट करके दे देगी, कल जरूर साहब जाएंगे, अमर जाएंगे, नहीं कर सकते। अगर किसी भी प्राइवेट मेंबर को जमीन अलाट, किसी भी प्राइवेट मेंबर पे हम जमीनें इस तरह गवर्नमेंट की बांटते जाए तो मास्टर प्लान कहाँ लेके जाएंगे? लोगों की सरों पे तो मास्टर प्लान नहीं बनेगा। आपने वो बात दिया उनके सामने, मिनिस्टर साहब ने इसमें पॉइंट अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भैया का नस्ते। मिस्टर स्पीकर, ये इशू बहुत अहम है और इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के ये जो मौजूदा इशू है इस पे काफ़ी उंगलियां उठ रही हैं, जिसमें हम भी उसके हिस्सेदार हैं और काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिनिस्टर रेवेन्यू से और अपने कायद जाम यूसुफ साहब से कि 2003 से लेकर 2008 में भी अरबों रुपए की, नहीं खरबों रुपए की ज़मीनें एक काजी की झूठे एक उस पे हजारों नहीं, मेरे ख्याल में अगर लाखों नहीं तो कम से कम 50-60-70 हज़ार एकड़ ज़मीन, क्योंकि सुल्तान ग्वादर मस्कत की 80 हज़ार एकड़ ज़मीन थी, उसका कोई अब वजूद नहीं है। ये कहाँ गई, किस तरह गई? तो मेरी आपसे इस्तदा है और लीडर ऑफ हाउस से भी कि वो जब अल्लाह उनको सेहत दे, क्योंकि आज शायद उन्होंने दोबारा ट्वीट किया है, क्योंकि दोबारा शायद मुझे पता नहीं है कि उनकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, वो आए और इसको थॉरली असम्बली के अंदर डिस्कस करवाया जाए, क्योंकि ये किसी की एक आदमी की मिल्कियत नहीं है, ये किसी एक आदमी की जायदाद नहीं है, ये इस ज़मीन को कोई ओन नहीं करता, ये बलूचिस्तान के बलोच कबाइल की और बलूचिस्तान के आवाम की ये मिल्कियत है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है उस वक्त तक पेंडिंग रखा जाए इसको और सीएम साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि थॉरली इसको डिस्कशन करवाई जाए इसकी हाउस में, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके अमल किया जाए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। अगर मुतमैन नहीं इस पे बात नहीं कर सकते। ग्वादर की ज़मीन को सुल्तान ऑफ ओमान की मिल्कियत करार दिया, सुल्तान ऑफ ओमान का ग्वादर में एक इंच ज़मीन नहीं है। सुल्तान ने जहाँ भी आप पुराने दस्तावेज़ात वहाँ पे लोगों को देखें, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो एली उतारी थी, एली के लिए भी उस लोकल बंदे से परमिशन ली थी। ग्वादर जब दिया गया, ग्वादर पाकिस्तान ने ख़रीदा, उसकी पेमेंट 35 लाख रुपए थी, जो सर आगा खान ने पेमेंट की। उस टाइम आप हमारी हुकूमत के पास पैसे नहीं होते थे इतने, और उस टाइम भी आप ग्वादर में एक इंच सरकारी जमीन नहीं है। मैं बारह कहता हूं, ग्वादर की लोगों की जमीनें उनके साथ अख्तलफी हुई है। ग्वादर की जमीन बलूचिस्तान के लोगों की नहीं है, वहां पे बसने वाले उन गरीब लोगों की है जो अभी तक पीने के पानी के लिए तरसते हैं, और आप उनको कह रहे हो कि जमीन सरकारी है, सरकार की एक इंच नहीं है जमीन। दूसरी बात, आप जो एग्रीमेंट ओमान के साथ हुआ है वो आप चेक कर लें। ओमान अपनी अकमियत बेच रहा है, वो ग्वादर के लोगों को भी बेच रहा है। ओमान की जो चीजें थी उसमें एक स्कूल था आई, वो गवर्नमेंट को पाकिस्तान को मिल गई। सड़कें थी, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल गई। 3-4 किले थे,
सरकारी इमारत पे वो मिल गए, अब लोगों की जमीनें आप लोग उठा के दे दो। इस तरह की बात नहीं, वो उसने कहा तफसील पे इस पे डिस्कस होने है सरदार साहब। इस तरह तो अमल हर कोई उठता नहीं, सिर्फ सबके पहले तो हमारी जमीनों को हमें कोई पूछता ही नहीं था इस मुल्क में। अब ग्वादर की कीमत हो गई है तो सब आते हैं, सबकी नजरें ग्वादर की जमीनों पे लगी हुई है। ये कौन सा इंसाफ है? मकसद ये है कि तारोली इस पे डिस्कस होना चाहिए सरकार साहब की। आपने एक सेकंड, मैं अपनी वजाहत कर दूं फिर आप वजाहत। हमल साहब, मेरे कहने का मकसद ये था कि ये जमीनें बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की आवाम की है, हुकूमत की, मैंने स्टेट की नहीं कही है। तो बलोचों की मिल्कियत है, तो बलूचिस्तान के अवाम की मिल्कियत है और बलोचों की मिल्कियत है। हमने आपसे कभी भी क्लेम नहीं किया कि हमारी है। नीति खान ने बतौर ग्वादर की उस टाइम रेवेन्यू थी $700। ग्वादर नेचुरल पोर्ट उस वक्त होता था, वहां से गोवा से लकड़ियां पूरी एक्सपोर्ट यहाँ से होती थी, फ्यूल यहाँ से सब जगह सप्लाई होती थी, और सप्लाई भी हमारे लोगों के पास से है, हमारे पुश्तों के अमल साहब जो थे। अगर उमर ने जब भी परमिशन मांगी है, मेरे पास दस्तावेजात हैं, जिस मौजूदा एयरपोर्ट है वहाँ पे हेली के लिए परमिशन हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने दी है। शुक्रिया अमल साहब। मैं अगर मैंने ये मेरी मालूमात गलत है तो मैं माजरा चाहता हूँ अगर आपको हुए। मेरे कहने का मकसद वहाँ के लोगों की और बलूचिस्तान के लोगों की, बलूचिस्तान का मकसद आप बलूचिस्तान नहीं है तो फिर तो मैंने गलत कहा है। बिल्कुल उन्हीं की हम आपका हक तस्लीम करते हैं जी। मिनिस्टर रेवेन्यू साहब, इस तवज्जो दिलाओ नोटिस के हवाले से जो बात थी मैंने यहाँ पर रखी कि ये कोर्ट का फैसला था जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान या मिनिस्ट्री के डोमेन में नहीं आती है। उन्होंने अपना फैसला सुनाया। अख्तर जान ने कहा कि जी यहाँ से इन्फ्लुएंस किया गया, वहाँ से किया गया। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इन्फ्लुएंस करके जो है ना फुल बोर्ड में ये अपील दायर की और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हक को तस्लीम करते हुए ये सारी ज़मीन कैंसिल हुई। और दूसरी बात जो सरदार साहब ने की, मैं बिल्कुल सेकेंड करता हूँ सरदार साहब की बात को, क्योंकि ग्वादर के अगर मामलात को देखा जाए, ग्वादर के साथ वहाँ के जो असल जो मतलब के जो ज़मीन के मालिक हैं उनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई है। ये बहुत दफ़ा ज़मीनें अलाट हुई, सेटल्ड हुआ, फिर कैंसिल हुआ, उसमें इतनी खामियां हैं जनाब स्पीकर साहब। बिल्कुल मैं सरदार साहब की बात को सेकंड करते हुए इसको दोबारा देखने की ज़रूरत है। चंद ख़ानदानों को ज़मीनें नवाजा गया, दिया गया, मछेरे बेचारे आज तक वही मछलियों वाला हाल है उनका। सुबह को जाते हैं, रात को इतना कमाते हैं कि खा कर सो जाते हैं। असल जो मालिक हैं वो बेचारों का हाल दरपदर है, न जाने कौन। ये तो हर डिस्ट्रिक्ट में यही है ना, लोग जो है ना वहाँ के ज़मीनों के मालिक बन गए, इसको देखने की बड़ी ज़रूरत है। ग्वादर की ज़मीनें जो हैं वो ज़मींदारों की थी, साहिल मछेरों का था। साहिल पे आज भी मछेरे हैं, ज़मीनें जो हैं वो ज़मींदारों की थी और उसमें आज भी ज़मींदार हैं। बदनीयती की बुनियाद पे जिन ज़मींदार, एक मिनट सलीम साहब, बस और कोई नहीं है। एक मिनट सलीम साहब, इस तरह की बात ना करें, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। ग्वादर की रिकॉर्ड चेक कर ले, ग्वादर की ज़मीनें जो हैं वो ज़मींदारों की थी, साहिल पे जो है मछेरों का हक है। जी बुलंदी साहब, हजारों जमीन नहीं, मेरे ख्याल इस तरह नहीं है सलीम साहब। जनाब स्पीकर, खैर ये तवज्जो दिलाओ नोटिस है, इस पे जो है लंबी चेड़ी चोरी बहस हो रही है। तो होता ही नहीं है, लेकिन है कि फिर भी मैं आपसे स्पेशल परमिशन मांगता हूँ। जनाब स्पीकर, जिस तरह हमारे मिनिस्टर रेवेन्यू साहब ने जो वजाहत की, SMBR को एक अदालत की एक इख्तियार हासिल है। अदालत में जो भी जाए, जो भी इंडिविजुअल हो, कि मेरे साथ जो है ज़मीनों के हवाले से अगर ज़्यादती हुई है, तो वो अदालत जो है ख़ुद ब खुद वो उस पर जो है वो अकत में आती है और उसको सुनती है और उस पर फैसला करती है। बेसिकली ये तीन रुकनी बेंच है, SMBR है, रेवेन्यू वन है, और दूसरा भी SMBR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू, तो फुल बेंच बैठी हुई थी। अब बेसिकली हुकूमत का जो रेप है वो डिप्टी कमिश्नर होता है, GDA वहाँ पे होती है और GPA है। तीनों जो है वहाँ पे जाके फरीक बने। उन्होंने कहा कि जो सिंगल बेंच अदालत थी या जो बोर्ड थी, उसने जो है वो फैसला मेरिट पे नहीं किया है, इसमें मॉलिफाइड इंटेंशन है। गवर्नमेंट के कहने पे जाके वो फिर ज़मीन कैंसिल हो गई। अगर जनाब स्पीकर
अमल साहब की बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, सरदार साहब की बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मौकफ ठीक है। देखिए गवादर की ज़मीनों के साथ जब से वहाँ पे पोर्ट का ऐलान हुआ है और पोर्ट जब बनना शुरू हुआ है, वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में जितने भी स्टेट एजेंट्स हैं वहाँ पे गवादर में आए, औने पौने दावों पे गवादर की ज़मीनों को बेचा। और ये बात मैं आपको सलीम साहब की सेकंड करता हूँ कि गवादर का जो असल ओनर है, गवादर के माहीगीर, उन बेचारों के पास एक अपने घर के अलावा एक फुट भी ज़मीन नहीं है। उनकी सारी गुजर बसर, सारा उनका मामला वो समंदर से है और मछलियाँ पकड़ते हैं और बेचते हैं। अब देखा जाए, चूँकि गवादर में माइग्रेशन बहुत हुई है, दश से भी लोग गए हैं, तुरबत से भी लोग गए हैं, पंजगूर से भी लोग गए हैं, बागी बलुचिस्तान से भी लोग गए हैं, जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं उनके पास जो हैं सैकड़ों एकड़ ज़मीन उनके नाम है। किसी ने पटवारी के साथ मिल के कोई ज़मीन अलाट की, किसी ने कुछ और तरीका कर लिया। अब बेचारा असल जो बाशिंदा है वो बेचारा रह गया। अब हमारे एमपीए साहब कहते हैं कि जी वो जमीन जमींदारों की है, वो उनका काम मछली पकड़ना है। ये कौन सी मंतक हुई? ये अख्तर लाल जो जो असल असल जमींदार है, गवादर जो है वो मछेरों का है। अगर इस पे मेरी बात मुकम्मल होने दें जनाब स्पीकर, जमींदारों के पास अपनी सनदें हैं, रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, अभी इसे नहीं, हजारों साल से लोग यहाँ पे बस रहे हैं, हजारों साल से उनके पास रिकॉर्ड है, बुरेदा की जमीनों का रिकॉर्ड जहूर साहब के पास पाकिस्तान बनने से पहले की उनकी फैमिली के, हमारी जमीनों का रिकॉर्ड पाकिस्तान बनने से पहले की हमारे पास है। जिनकी जमीने जिन जमींदारों की है उसकी है, जो मछेरों की जमीने हैं जायदादें हैं वो उनकी है। सलीम साहब भी गलत फरमा रहे। देखिए जनाब जनाब स्पीकर, मेरी बात मुकम्मल, मेरी जनाब स्पीकर, ये पार्लिमानी रवायत पे एक बंदा बोल रहा होता दूसरा खड़ा होकर बोल रहा है। अब मेरी बात मुकम्मल होने दें, फिर जिसने बोलना है बोले, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जरूर साहब बात करें कंप्लीट। जनाब स्पीकर देखिए, हर हुकूमत ने जो हमारे प्रेडेसेसर्स हैं, सारे हुकूमतों ने जो है ग्वादर के लोगों के साथ ज्यादती की, किसी ने आके सेटलमेंट की, पटवारी के साथ मिल गया, तहसीलदार के साथ मिला, ज़मीन अपने नाम पर की, गवादर के लोगों ने एहतजाज किया, सिलसिला हुआ, चीज़ें पर क्लोज हो गई। इसके बाद दूसरी हुकूमत आई, उसने जो है गवादर के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए दूसरी इंक्वायरी बैठा दी, फिर उसने ये किया कि अपने नाम पे ज़मीनें कर दी और बाकी ग्वादर वालों को उन्होंने छोड़ दिया। अगर आप लोगों ने असेंबली समझते, चूँकि गवादर सबसे पहले गवादर के लोगों का है, गवादर के लोगों की मिल्कियत है, वहाँ के मछेरों का है, वहाँ के ज़मींदारों का है, वहाँ के लोगों का है, इसके बाद उसकी भी बलूचिस्तान की मिल्कियत है। बलूचिस्तान की ज़मीन इतनी सस्ती नहीं है कि आप उसको औने दानों पर बेचें। अगर इस पर कोई कमेटी बनाते हैं या कोई और प्रॉप करते हैं, लेकिन ना कि फिर आपको जो है जब से पोर्ट बनने का ऐलान हुआ है उस वक्त से लेकर टिल नाउ, फिर सबकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, पर सबको बिठाना पड़ेगा किसके पास कितनी जमीन गई है और किस वजह से गई है और कैसे गई है, रिवेन्यू रिकॉर्ड में क्या कहते हैं, रिवेन्यू रिकॉर्ड जो है इससे पहले आया उसके पास इतनी जमीन थी या अब जब सेटलमेंट के बाद इतनी जमीन आ गई है, या उसके पास वो जो बारानी खेत होता है या जो वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है उस हवाले से कितना जमीन उसको अलाट की गई है, कितनी जमीन उसको उसके नाम पर कर दी गई, फिर एक एक चीज देखनी पड़ेगी। और मेरी गुजारिश भी है, देखिए एक बंदे को आप मलायन नहीं कर सकते, कोर्ट इन्वोक हुआ, कोर्ट बैठ गई, फिर गवर्नमेंट का पता चला, उसने अपील किया, और ये जो है गवर्नमेंट को आप क्रेडिट दें कि उसने जाके एक बड़ी ज्यादती होने से बचा दिया, बल्कि ये नहीं, जो पुरानी अलॉटमेंट्स थी वो सारी कैंसिल कर दी और गवर्नमेंट गई है। तो मेरा आपसे असेंबली से यही कहना था, मेरे ख्याल में इसको कंक्लूड जी अपना, इसको अगर आप समझते तहरीक लाएं, इतना तो डिबेट नहीं होता।